मॉर्निंग, कसे आहात आपण सर्व? छान ना? सर्वप्रथम मी आदरणीय मलिनाथन शेट्टी किसन सरडा साहेब कुर्बान हुसेन जगन्नाथ शिंदेजी आणि राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर यांना अभिवादन करून एक दोन शब्द तुमच्यासमोर बोलू इच्छितो. फॅमिली प्लॅनिंग ऑफ इंडिया इतकं छान हा उपक्रम आहे, जेणेकरून समाजामध्ये घरोघरी गावोगावी की जो प्रजनन आरोग्य सुरक्षित गर्भपात या विषयावर समाजाचं काय देणं असतं, तर या माध्यमातून खूप मोठं कार्य आहे. सर्वप्रथम मी सलाम करतो या संस्थेला, या संस्थेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना. आदरणीय व्यासपीठ डॉक्टर नभा काकडेजी, सोनी मांडे आमचे जस्ट लाईक गुरुजी, हमारे गॉडफादर एळेगावकर सर, और ट्रेजरर कांबळे साहब, दिल्ली जी गायकवाड साहब और सभी पदाधिकारी, और मेरे यहाँ पर जितने भी इस रैली में शामिल हुए मेरे दोस्तों विद्यार्थी विद्यार्थिनियों. आज मी एक ऐज ए कलाकार म्हणून इथं आहे आलेलो आहो, कारण मला जास्त असं स्पीच किंवा असं बोलता येणार नाही, परंतु प्रयत्न करेन मी बोलायचा. आज मी अनेक इव्हेंट्स, बेटी बचाओ सेव द गर्ल, याच्यासाठी अनेक मी काम केलेलं आहे. सोलापूरमध्ये सुद्धा मी निमासाठी काम केलेलं आहे, नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन, स्त्री भ्रूण हत्या. आता नुकतंच मी मुंबईमध्ये खूप मोठा एक इव्हेंट होता उल्हासनगर या त्या ग्राउंडमध्ये, मोनिका बेदी, रवीना टंडन, विपाशा बासू अशा मोठ्या मोठ्या दिग्गज लेडी त्या कार्यक्रमामध्ये सामील होत्या. तर माझे भाग्य केळेगाव साहेब सरांनी मला इथं बोलवलं आवर्जून आणि मी मला इथं संधी दिली. तो नारी शक्ती बस इसमें सारा संसार है, दो ही शब्द में मैं कहना चाहूंगा, इसमें सारा संसार बसा है. आप में सब कुछ देखता हूं, मैं मां देखता हूं, बहन देखता हूं, गर्लफ्रेंड देखता हूं, सब कुछ देखता हूं. आप लोगों से संसार है, हम सब आप लोगों से हैं. ये जितने भी शहीद हैं जिनकी वजह से हम लोग इतनी खुली हवा में इतने आजाद खड़े हैं, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप जैसे माएं, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे यद्यो पैदा हुए इस धरती पर, वो आप वजह से. इंदिरा गांधी जी संपूर्ण आयुष्य देशासाठी वेचले, तुमच्यामधून आहेत. ढाल छातीशी पुत्र पाठीशी कमरेला तलवार, ती राणी लक्ष्मीबाई तुमच्यामधूनच आहे. मला वाटतं असं वाटतं की सर थोडस मी काल विचार केलो वाचलं नाही, जास्त वेळ घेणार नाही. आता काल माझा कार्यक्रम, मी एक कार्यक्रमावर होतो, तिथं पहिली वेळ माझी मुलाखत झाली डॉक्टर मृणालीजी फडणवीस, त्या कुलगुरू आहेत, ते तुमच्या मध्ये आहेत, किती मोठी गोष्ट आहे. तो हम कुछ नाही आहे, पहिले आप हैं, आपके बाद हम हैं. और आप लोगों को मालूम हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से इंडिया की चेयरमैन, मेरे ख्याल से वो भी लेडी जिनका नाम सीतारामन है. आईसीआईसी बैंक के भी चेयरमैन मेरे ख्याल से लगता है वो भी लेडी है, चंदा कोचर. मतलब कहाँ नहीं है, सब राज आप लोगों का है और हम आपके पीछे हैं. तो ज्यादा ज्यादा एक कहना चाहूंगा कि मैं इस फिल्म से, बॉलीवुड फिल्म ये फील्ड जो है बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक, जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं बार बार कि बॉलीवुड क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ग्लैमर क्या है. हम इतने बड़े स्क्रीन पर देखते हैं और उनके फैन हो जाते हैं. तो आप लोगों को मालूम हो कि इंडस्ट्री में आज जो भी है वो नारी राज ही है. मेरी सरस्वती जिसको मैं माँ कहता हूँ, वो आदरणीय लता दीदी वो आप में से हैं. आशा भोसले जी जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो आप में से हैं. अनुराधा पौडवाल हो, बड़े बड़े जितने भी दिग्गज हैं, आज भी शाहरुख खान अपने फिल्म के टाइटल में आप देखिए, घर में जाके शाहरुख खान
सबसे पहले नारी या ओ लेडी जो भी एक्ट्रेस है उसका नाम पहले होता है. फॉर एग्जाम्पल कैटरीना कैफ, उसके बाद शाहरुख खान का नाम आता है. दिस इज द रिस्पेक्ट. इतनी इज्जत आपकी है, आपकी वजह से सारा संसार है. आखिरी में मैं बच्चों के लिए कहूंगा, जो स्टूडेंट है सर उनके लिए मैं कहना कहूंगा, जाते जाते गाना तो गाऊंगा मैं, बट एक वाक्य मैं आप लोगों के लिए कहूंगा. उत्तर प्रदेश की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा को कितने लोग जानते हैं? उत्तर प्रदेश यूपी की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा को कितने लोग जानते हैं? लेडीज पीछे लड़कियां बोलो, मुझे नहीं मालूम. अरुणिमा सिन्हा हमारे भारत की शान है, पद्मश्री. यूपी च्या एका ट्रेन मध्ये ती जेव्हा प्रवास करत होती त्यावेळेस काही गुंडे कुछ टपोरी लड़के लोग, चार पांच लड़के लोग उसके गले में चैन खींच के उस पर बलात्कार करने की कोशिश की, तो उसमें खींचा जाने में वो लड़की गिर गई चलते ट्रेन में से. जब वो लड़की गिर गई अरुणिमा, तो उसके दोनों पैर ट्रेन के नीचे कट गए और वो रात भर वो लड़की वहीं पड़ी रही. ट्रेन एक ट्रेन ऐसा जाया करती थी, एक ट्रेन इधर से आया गया करती थी. रात भर वो लड़की पड़ी रही, 500 ट्रेन आई गई, वो लड़की बची. अरुणा सुबह जब उसको उठा के दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो उसको जब पता चला बेहोशी की हालत में थी, जब होश आई वो लड़की को, तो उसने देखा कि मेरे दोनों पैर तो निकल गए, मेरी तो लाइफ खत्म हो चुकी. तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा कुछ नहीं होगा, तो उसने एक संकल्प किया, ईश्वर तूने जब मुझे इतने प्रॉब्लम में से मुझे आज जिंदा रखा है, 500 ट्रेन के नीचे से मैं जिंदा रहूं, तो मैं जरूर मेरे से कोई तू काम करवाने वाला है. अरे खुदा तू मेरे से कोई काम लेने वाला है, इसलिए मुझे तूने जिंदा रखा है, वरना मेरी थी नहीं, मैं तो मर चुकी थी. तो उस लड़की ने इतिहास रचा, दोनों पांव से अपंग अरुणा सिन्हा ने एवरेस्ट सर किया. एवरेस्ट सर करके उसने सातों खंड में जितने बड़े बड़े एवरेस्ट हैं, जिसको आप वर्ल्ड में जो कहा जाता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस लड़की ने किया है. वो लड़की है आपकी तरह, जिसके पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, वो लड़की आप में से. क्या शक्ति होगी, कांट बिलीव, उसको क्या ताकत मिली होगी. चला धोनी पैर एक होता है कि भाई अपना फ्यूचर सोचता है कि मेरा क्या होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी. वो लड़की ने तो कमाल कर दिया, उसको पद्मश्री मिली. आप सबको मालूम होगी अरुणिमा सिन्हा के बारे में, पढ़ो आप लोग. तो ये आप लोगों की ताकत है, आप लोगों से हम हैं, ये सारा संसार है. तो मैं दो शब्द कहना चाहूंगा इन शहीदों के लिए. सर मुझे दो शब्द याद आ रहे हैं इस सूरज को देखकर. पूरब से निकलने वाला सूरज जिसका रंग होता है भगवा, पूरब से निकलने वाला सूरज जिसका रंग होता है भगवा, वो कभी अपने आप को हिंदू नहीं समझता. क्योंकि ये चार शहीद जो हैं, मैं उन शहीदों के लिए कह रहा हूं. पूरब से निकलने वाला सूरज जिसका रंग होता है भगवा, वो कभी अपने आप को हिंदू नहीं समझता. झील से गहरा नीला आकाश जिसका रंग होता है नीला, वो कभी अपने आप को दलित नहीं समझता. ये पेड़ ये पत्ते ये झरने ये वादियां जिसका रंग होता है हरा, वो कभी अपने आप को मुसलमान नहीं समझता. दोस्तों इस देश के लिए, इस शहर के लिए, अखंड भारतासाठी, राष्ट्रीय एकात्मता, सर्व धर्म समभाव चा संदेश पण महत्त्वाचा आहे. आणि तुम्ही सर्वांमधून मला दिसतोय, तरी दोन शब्द मैं उन शहीदों के लिए. जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. खींच दो अपने खून से जमीन पे लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई. खींच दो अपने खून से
زمین پہ لکیر اس طرف آنے پائے نہ راون کوئی کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں نتر ہروا جھنڈا دکھویات امول मी नवले सरांना अय्या सरांना विनंती करतो की हवेमध्ये फुगे सोडावे आणि नंतर झेंडा दाखवून या रॅलीचं उद्घाटन करावं. एक मिनिट लक्ष द्या पुढे. हा हवेमध्ये फुगे सोडून आपण या रॅलीचं उद्घाटन करूयात. टाळे वाजवून सर्वांनी यानंतर नवले सरांना आणि अय्या सरांना विनंती करतो की त्यांनी हिरवा झेंडा दाखवून या रॅलीचं उद्घाटन करावं. बसुराज गाडी पुढे घ्या. गाडी सरांची गाडी.